मुझे तेरी वीडियो मैं YouTube पे चढ़ाऊंगा। हाँ जी भाई, तो आज हमारी जो है पहली सुबह है सियालकोट में, और सुबह हमारी जो है बहुत अच्छी नहीं गुजर रही। 4 बजे के उठे हुए हैं, 1 बजे सोए थे, 4 बजे के उठे हुए हैं। और वो क्यों? वो इसलिए कि इधर जो है बमबारी हो रही है जी। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर सियालकोट के बिल्कुल करीब है। इस तरह करूँ तो हाथ लग जाता है, इतना करीब है। तो उधर जो है सुबह से तोपे चल रही है, बमबारी हो रही है, इसलिए सुबह 4 बजे के उठे हुए भाई, जंगल जलील कर दिया। बाकी अभी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। हेलो कर दो भाई। हाँ जी, तो असला हमारा असला नहीं, औजार हमारे जो से हैं वो तैयार हैं। हम अभी निकल रहे हैं घंटाघर, तो घंटाघर देखते हैं ना, तो फिर हम आगे जाएंगे। फिर रस्ता छोड़ो भाई, चिड़ी ओपरा हो ओपरा मार। हाँ भैया, अभी अभी पता चला है कि ये जो खोपा से बना हुआ है, ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग मैंने लैंडमार्क है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। लग भी रहा है यार, लाल कोठी कहते हैं जिसको, सूत्रों से खबर मिली हमें। अच्छा भैया, ऐसे है कि ये जो पीछे रोड है, जो पीछे को जा रहा है, अगर हम आते जाते तो हम जो है सीधा जाना था कैंट, और कैंट को क्रॉस करके हमने जाना था घंटाघर। तो चूंकि हमारे पास हेलमेट और आईडी कार्ड नहीं है, तो हम घूम के जाएंगे, पूरा घूम के फिर हम जाएंगे घंटाघर। सही है, कौन सा रोड है ये? पेरिस रोड। हाँ, उस रोड को कहते नहीं पेरिस रोड, पेरिस चलते। अच्छा जनाब, अभी अभी सूत्रों से एक और खबर मिली है कि ये देख सकते हैं आप, खंभे लगे हुए हैं। ये हमारी जो डेवलपमेंट टीम है वो इतनी एक एडवांस हुई हुई है कि उन्होंने साल पहले खंभे लगा दिए, लेकिन वो लाइटें लगाना भूल गया। हाँ, लाइटों से पहले पीटीए के झंडे लग गए हैं, खान साहब के झंडे लग गए हैं लाइटों से पहले, लेकिन अभी तक लाइटें नहीं। हाँ तो भाई, हम पहुंच गए हैं घंटाघर। अंग्रेजी जबान में इसको क्लॉक टावर कहते हैं, सही है, लेकिन हम घंटाघर आ रहे हैं, क्लॉक टावर नहीं है, वो पीछे है, जाके चेक करते हैं क्या सीन है। तो जिनको नहीं पता उनको बताता चलो कि ये जो टावर है ये बना था एज अ टोकन ऑफ लॉयल्टी, मतलब कि वफादारी का जो है ना, तुम कह सकते हो कि वफादारी के इक्के पे बना था, ठीक है। ये तो ये जब आया था ना हाइनेस लॉर्ड किड़ा है एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया का, ठीक है, तो तब ये जो है बनाया गया था। तो इसके पास एक हिंदू टेंपल हुआ करता था, वो अभी नहीं है, ये टावर ही है, तब से ऐसे ही खड़ा है। इसकी रेनोवेशन बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत बार हुई है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है अभी तक उसी तरह ही है। तो ये तो रही इसकी कहानी, बाकी आगे देखते हैं कैसे। हाँ भाई, तो अभी हम चढ़े हुए हैं केड़ा यार, केड़ा पुल, हाँ जिनाह स्टेडियम वाले पुल चढ़े हुए हैं हम। आगे हम बुर्ज खलीफा भी चढ़ेंगे दाने चाह, वो पीछे देख सकते हैं आप जिनाह स्टेडियम है, उसको भी रेनोवेट किया जा रहा है। तो ये नीचे जो है मुर्गी मंडी है, इधर जो है मुर्गियों की मंडी लगती है, बाकी आगे थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी, कॉलेज का नाम क्या? मरे कॉलेज। कॉलेज का नाम है मरे कॉलेज। तो ये वो कॉलेज है जी जहाँ से हमारे द ग्रेट ग्रेट अलामा इकबाल साहब पढ़े हैं। ये जो है इस चौक है जी, हाँ मुझे ये पता है, आपको ही पता है कि चौक है, लेकिन इस चौक को कहते हैं केड़ा चौक? ड्रम वाला चौक भी कहते हैं जी। और दूसरा इसका सही नाम जो है वो अलामा इकबाल चौक है, सही है। ऊपर देख सकते हैं आप, कबूतर ही बिठाया हुआ इन्होंने निगरानी के लिए। ये सर जी हमने जो
पहले घंटाघर देखा था, ये उसका नाजायज भाई है, ठीक है। तो इसको असल में जो है ना, इसको कचहरी चौक कहते हैं। कचहरी चौक इसलिए कि यहाँ पे सारे वकील रहते हैं। घंटाघर घर पे नहीं, लेकिन इनके अड्डे हैं इसके पास। तो ये सर जी डिस्ट्रिक्ट जेल है, सेंट्रल जेल भी कहते हैं। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था भाई 1863 में। अगर कोई इंटरेस्टेड हो आने में तो वो आ सकता है। सही है, आ तो जाओगे, लेकिन जाने का जो है ना वो गारंटी नहीं है। हाँ तो भाई, हमने जो है मोस्टली सियालकोट की जो मेन चीज़ें हैं, जगह हैं, वो एक्सप्लोर कर ली हैं। और अगर आप ये पूछते हैं कि हम इतनी जल्दी क्यों निकले हुए हैं, हमारी कौन सी खोती खूबी हुई है कि इतनी जल्दी हम जो है खवार हो रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक उस्तादी है। वो उस्तादी ये है कि भैया एक तो आ जाए संडे, सही है, सारे जो हैं छुट्टियों पर, ठीक है, सारे घरों में बैठे हुए हैं और आज संडे है, तो सब अपने बच्चों को तो फैमिली के साथ निकलेंगे, कोई वेलियाँ मारने निकलेंगे, तो रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने कहा क्यों ना थोड़ी सी जद्दोजहद की जाए और जल्दी उठ के तो सारा एक्सप्लोर किया जाए। तो एवरीथिंग इज़ फॉर अ रीज़न। तो ठीक है जी, बाकी आगे जो रह गया वो आज पूरा दिन पड़ा हुआ, देखते हैं क्या सीन है। हाँ तो भाई साहब, अभी नाश्ता माश्ता किया है तो हम ज़रा निकले हैं बाहर। हमने कहा क्यों ना सियालकोट आए हैं तो क्यों ना अंदरून सियालकोट की तस्वीरें वगैरह खींची जाए। तो बस वही पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, बाकी आगे प्लान बन रहा है कि हेड मराले जाते हैं, इधर कोई वाटर रिजर्वायर है कोई ऐसा करके उधर जाते हैं, देखते हैं फिर क्या सीन। हम इधर जा रहे थे हेड मराले। अब हेड मराले जाने के लिए हमें सियालकोट कैंट के अंदर से जाना पड़ता है ना। अब वो कैंट में जो है हमारी गाड़ी को जाने नहीं देते, क्यों? क्योंकि गाड़ी का जो है एग्जॉस्ट बड़ा है, तो गाड़ी नहीं जा सकती जी। हेड मराले फिलहाल कैंसिल हो गया, अभी देखते हैं बाइक शाइक का कोई सीन करते हैं यार। अभी ऐसे है कि भाई साहब सीन में जो है थोड़ा सा आ गया ट्विस्ट ये कि हमारा प्लान था कि हम निकलेंगे कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग इस्लामाबाद के लिए वापसी, मतलब मंडे की सुबह तकरीबन 5 बजे निकलेंगे इस्लामाबाद वापसी के लिए। लेकिन हुआ यूँ कि मंडे को आ गई है फादर साहब की ड्यूटी, ही हैज़ टू बी देयर। तो मराला कैंसिल हो गया और अभी हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। लग गए जी। तो हम ज़रा गए थे इधर सियालकोट घूमने फिरने, तो अभी हम वापस आ गए और अभी हम जा रहे हैं जी सोने। व्लॉग भी कल ही एडिट होगा। ओके जी, गए हैं।